हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के प्रेस्टिक चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने वीडियोज़ हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस पाइए। बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए हैं दोस्तों, जो आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज आप MS Word में किसी पेज का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, पेज लेआउट मेनू के पेज बॉर्डर ऑप्शन पे। आप किस तरह के बॉर्डर चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप जिस तरह के बॉर्डर चाहते हो और जिस तरह से डिजाइन चाहते हो पेज का, उस हिसाब से आप अपने पेज में कस्टमाइज कर लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने ये चूज करा है ये वाला हो, तो फिर इसके बाद आप ओके कर दीजिए तो ये आपके बॉर्डर में आ जाएगा पेज में, ठीक। और हम चाहते हैं अब इसी तरह से नहीं दोस्तों, एक ही नहीं, आप बहुत सारे कर सकते हैं कि एक ही डिज़ाइन की नहीं, जितने डिज़ाइन आप चाहते हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ये हो गया, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप इसे जहाँ पे चाहें आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप एक ही जगह पे रख सकते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस हिसाब से किस डिज़ाइन पे लाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, छोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। जनरल बस लाइन चाहिए तो उसके लिए है। और यदि आप चाहते हैं पेज का कलर चेंज करना, इसके अलावा भी आप इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये रहा डिजाइन, आप इसे ओके कर दीजिए, ये डिजाइन हो गया। पेज की कलर की बात हो गई, जैसे हम कोई भी कलर यूज करना चाहते हैं आप उस कलर से पेज को यूज कर सकते हैं। मतलब एक कलर से नहीं, जितने कलर से आप बनाना चाहते हैं मोर कलर्स में जाके आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं कि आप किस कलर के पेज बनाना चाहते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करते हैं या कि बना हुआ। तो आप ये बनाने के बाद ओके कर दीजिए, देखिए आपका पेज हो गया इस कलर। अब आपको हम बता दें कि इसमें आप वाटर मार्क लगाना चाहते हैं। वाटर मार्क आपने सुना तो ज़रूर होगा लेकिन कभी यूज ना किया हो। ये वाटर मार्क ऑप्शन है, यहाँ पे आप जा क्लिक करेंगे, ये नीचे बटन दिख रही है। आप इसे में किस तरह से वाटर मार्क लगाना चाहते हैं, इस तरह से दिखे, इस तरह से आपका पेज किस तरह से दिखे प्रिंट होने के बाद, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से दिखे तो आप यहाँ पे इस वाटर मार्क पर लगा सकते हैं, नॉट कॉपी। यदि आप इसमें नाम लिखना चाहते हैं, कस्टम वाटर मार्क में जाइए, इसके बाद ये डू नॉट कॉपी जहाँ पे लिखा हुआ है आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने कॉलेज का नाम लिख दिया हूँ, इसके बाद आप ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये टाटा कॉलेज दिखने लगा उस स्थान पे, ठीक है। आप इसमें भी अगर वाटर मार्क का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टाटा कॉलेज है और बहुत सारे, सब अपना अपना देखिए। जैसे मैं पिक्चर भी लगा सकता हूँ इसमें, आप भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बस लगा सकता हूँ। सिलेक्ट पिक्चर करिए और फिर इसके बाद आप जो भी फ़ोटोज लगाना चाहते हैं आप उस फोटोज को लगा दीजिए और अप्लाई कर दीजिए, फ़ोटो आपको दिखने लगेगी, ठीक। और इसके बाद आप ओके भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए पिक्चर्स, लेकिन वाटर मार्क है तो ये पूरा प्लेन नहीं दिखेगा, जिस तरह से फ़ोटो हो उस तरह से आप इसकी जगह पे हटा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप लगा दिए तो हटा नहीं सकती है, रिमूव मार्क बटन मार्क हो गया। तो दोस्तों जहाँ तक है प्रयास करें कि पिक्चर की जगह पे टेक्स्ट ही यूज करें। ये टेक्स्ट बटन मार्क्स है यहाँ पे, टेक्स्ट के स्थान पे आप जो लिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही नाम लिख सकते हैं, IT सीधी लिख सकते हैं, ठीक। और इसके बाद आप, हमने आपको बता दिया कि आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन टाइप हो गई और बहुत सारे टाइप्स हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही टाइप्स हो गई, मैंने सेलेक्ट कर दी बस उसी को। साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि ऑटो 36, 40, 44, 48, 54, तो मैंने ऑटो ही कर रखा है। कलर्स मैंने आपको बता दिया कि आप जो कलर चाहते हो वो कलर आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये ब्लैक यूज करता हूँ, अप्लाई कर दीजिए, ठीक। फिर क्लोज कर दीजिए, ये देखिए TRT सीधी कलर से आ गए। और इसी तरह मैं जितने पेज में चाहूँगा उतने पेज में आएंगे दोस्तों।
यदि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो दोस्तों, अच्छा लगा हो वीडियो, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें, आपके सहपाठी भी सीख सकें। और दोस्तों, जितना ही आप एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे काम करेंगे, उतना ही आपके पास नॉलेज आएगा, उतना ही उनके पास नॉलेज जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें आपको, क्योंकि मैं डेली एक वीडियोज डालता हूँ। और हो सकता है टेक्निकल टाइप से हो, किसी ऐप्स के बारे में बताया गया हो सकता है किसी का कोर्स हो, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता हूँ और बहुत आपको पसंद आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।